तभी अब चलो रूम में चल के सोना, वीनू दादा और बाबा को बाय बोल, गुड नाइट बोल दो। अरे पापा मत जाओ ना, मैं नहीं जाऊंगी तो आप भी मत जाना। सभी बड़ा ऐसे जिद नहीं करते, उनको घर तो जाना होगा ना। लेकिन वो तो क्यों जाएंगे, वो इतने क्यों नहीं रुक सकते, बाकी बच्चों के पापा तो उनके पास रहते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं रह सकते। बाबा आज यही रुकते हैं ना। बड़ा रात को तो यहाँ नहीं रुक सकते ना, घर जाना होगा। बाबा आज मुझे यही रुकना है, सभी मेरी छोटी बहन है, मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। बाबा जब मेरी तबीयत खराब होती थी आप मुझे छोड़ के चले जाते थे क्या? ठीक है यही रुक जाते। मैं वीनू को फोन करके पूछ लेती हूँ कि विराट और घर पहुंचे कि नहीं। फोन क्यों नहीं लग रहा, नेटवर्क क्यों नहीं है यहाँ पे? नहीं, वो ये फैक्ट्री नागपुर से थोड़ी बाहर है, नेटवर्क का इशू है, हम थोड़ा आगे जाएंगे तो नेटवर्क आ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन मुझे विराट और वीनू के बारे में जानना था, मैं फोन कैसे करूंगी? मोहित तुम गाड़ी की चाबी दो, तुम बहुत स्लो चलाते हो, चाबी दो। वहीनी आपको लगता है हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके सही किया? मोहित मैं कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेती। वहीनी मैं तो बस यही कह रहा था। मोहित तुम थोड़ी देर चुप रहोगे प्लीज, चलो जल्दी। ये क्या कर रहे हैं विराट आप? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बीवी के मन में क्या कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी आपने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया, अब करना क्या चाहते हो? बेटी के पास रहना चाहता हूँ, इस हाल में उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ मैं। देखो सही, तुम्हारे लिए बहुत आम सी बात होगी, सभी को यूं देखना, उसकी तबीयत खराब होते हुए देखना, बचपन से पाला है ना तुमने, और मेरा क्या, वो कोई खिलौना नहीं है मेरे लिए कि मैं कुछ घंटों के लिए आया खेल के चला गया। बाबा हूँ उसका, वो बदनसीब बाबा जिसने अपनी बेटी की हर एक चीज मिस की है, उसका पहली बार रोना, पहली बार मुस्कुराना, अपने नन्हे हाथों से मेरी उंगली पकड़ना, उसका चलना, पहला शब्द बोलना, सब मिस किया है। आज जब मेरी बेटी चाहती है कि मैं उसके पास रहूं, वो कह रही है बाबा आप कहीं मत जाओ, इधर ही रहो, कुछ तो मतलब क्या करूं मैं, छोड़ दूं उसका दिल, चला जाऊं। सही, आज किस्मत ने पहली बार मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूं, उसका ध्यान रखूं, वो मौका भी छीनना चाहती हो तुम? देखो अगर तुम्हें मेरे यहां रुकने से प्रॉब्लम है तो मैं सभी को लेकर चला जाता हूँ घर। नहीं, सभी कहीं नहीं जाएगी और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं भी कहीं नहीं जा रहा और इस हाल में उसे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सही, पत्र लिखा, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा इसीलिए मैसेज कर रहा हूँ, सभी की तबीयत थोड़ी खराब है इसीलिए मैं और वीनू आज रात यहीं रुक रहे हैं। वीनू दादा तो दादा से ताई मन गए, मेरे लाइट सूट में कितने अच्छे रख ले। अरे देखो ना बाबा, ये मेरा मजाक उड़ा रही है। ऐसे नहीं करते बड़ा, अपनी बड़ी बहन को ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? बाबा आप भी? मैं भी? हाँ। मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी। अच्छा ठीक है, सॉरी। ओके नहीं करेंगे मस्ती, ओके चलो जाओ सो जाओ चलो। बाबा मुझे आपकी गोदी में सोना है। बड़ा टी शर्ट ये सब बहुत गंदा हो गया, गीला है सब कुछ, और बाबा के पास उनके कपड़े भी नहीं है, वो चेंज भी नहीं कर सकते। विराट आप अपनी टी शर्ट दे दो, मैं धोके दे देती हूँ।
को दे दो, वो तो के तेल दीजिए। लेकिन दे दू ना बाबा। साफ कर दूंगी। आजा बाणो, सो जाओ मेरी गोदी में। थोड़ा आराम से चलाइए, क्या कर रही हैं आप? विराट फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बहनी क्या हो गया आपको, क्या करी? थोड़ा आराम से चलाइए प्लीज। आई वेनू और विराट घर आ गए? नहीं बेटा, हम लोग सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक नहीं आए? फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैसेज करती हूँ। विराट का मैसेज आया हुआ है। मैसेज? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भगवान करे विराट जल्दी घर लौट आए। Thank you.
क्या कर रहे हो विराट? वही जो हम दोनों करना चाहते हैं। क्या क्या बोल रहे हो विराट? वही जो मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। सही, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, फिर एक दूसरे के साथ क्यों नहीं है? लेकिन पत्र लेकर वो सच को स्वीकार कर लेगी, लेकिन सही उससे पहले हमें सच को स्वीकार करना होगा। और क्या है सच? तुम मेरा सच्चा प्यार हो सही। और हमेशा रहोगी। क्या सोच रही थी मैं? आज मिले ही क्यों? अगर ऐसे झगड़े ही करना था तो आई एक बार करिश्मा से बात कर लो ना। आपने उसको कुछ पूछा क्या? उससे क्या पूछना, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। लगता है इस घन चक्कर ने आई को मेरे चक्कर के बारे में बता दिया। तुम्हारी मुझे छोड़ेंगी नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है ये बेवकूफ। तुम अभी भी इस घर का हिस्सा हो करिश्मा, ऐसे चुप चुप के बाहर बातें सुनने से कुछ मतलब नहीं। अगर चाहो तो अंदर आकर सुन सकती हो। तुमने आई को क्या बताया मेरे बारे में? रुको, ये क्या तरीका हुआ? मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने आई को क्या बताया मेरे बारे में? रुको, तुम मेरी बात सुने बिना ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ विक्रांत। ओ, तो उस लड़के का नाम विक्रांत है? सही, जो नाम अब तक तुम्हारे दिल पर था आज वो तुम्हारी जुबान पर भी आई क्या? मोहित, वो तो तुम्हारी इतनी परवाह करता है, तुम उसका इतना ध्यान रखती हो, तो जाहिर सी बात है ना कि उसका नाम तो तुम्हारे जुबान पर आएगा ही। नहीं, वो तुम्हें लगा कि मैं भाई को तुम्हारे अफेयर वाली बात की चुगली करने गया था? नहीं करिश्मा, भाई ज्वेलरी लेने जा रही थी और मैंने सोचा उनको बोलूं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें पूछ ले, बट एनीवे डजंट रियली मैटर एनीमोर। कौन? पत्र लेखा? मेरे हस्बैंड कहाँ है? कहाँ है विराट? तुम या? ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना सभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मैसेज किया था ना। अगर सभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम यहाँ पर टी-शर्ट उतार लेखा? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तुम हमारे बीच में मत पड़ो और तुम मेरे पति से दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझी?
तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी बुरी साइड देख रखी है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और मुझे तुम्हारी गलतफहमी दूर करने पे मजबूर मत करो। तुम सही तुम्हारा हाथ शर्म ये शब्द सुना है तुमने? इसका मतलब भी तुम्हें पता है कि क्या होता है? लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो वो लग नहीं रहा। तुम एक औरत के कमरे से बाहर निकलते हो, वो भी बिना टी शर्ट के, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, फिर भी तुम्हें उस औरत की फिक्र हो रही है। कितने बेशर्म हो तुम बिरा? Shut up. Just shut up. और प्लीज अपनी आवाज नीचे रखो और मेरी बात मानो तो कुछ बोलो ही मत तुम, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना गंदगी भरी हुई है। जैसे ही मुंह खोल रहे हो ना पता चल रहा है कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मेरी सोच घटिया है? वाह विराट, किसी और औरत के घर में बिना कपड़ों के तुम घूम रहे हो और सोच मेरी घटिया है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें चल क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सच जानना है ना, सच दिखाने जा रहा हूँ और तुम्हारे मन में जो घटियापन है ना उसे निकालने जा रहा हूँ। चल हाथ जोड़ो। देखो अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि सही और मैं बच्चों के सामने ऐसा कुछ जी। लेकिन फिर तुम में से बिना टी शर्ट के घूम रहे हो? क्योंकि सभी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मुझ पर उल्टी कर ली और मेरी टी शर्ट गीली हो गई और वो सूख रही है वहां पर। दिख रही है टी शर्ट या अभी भी आंखों पर शक का चश्मा चढ़ा हुआ है? सभी 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 ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ सभी की वजह से है। सभी को भी अभी बीमार पड़ना था। जब मैं फैक्ट्री विजिट करने गई थी मुझे समझ में नहीं आता कि सभी बार बार क्यों। क्या बोल रही हो तुम, समझ में भी आ रहा है? अब बच्चे बताकर बीमार पड़ेंगे? अरे तुम्हें इनफैक्ट उसे पूछना चाहिए कि वो कैसी है, क्या हुआ उसे, लेकिन तुम अपना गुस्सा निकाले जा रही हो उस पर। कैसी माँ हो तुम? क्या कहा तुमने? Enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.